महीनों बाद आज मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि आज फाइनली मुझे घर जाना है, और घर जाने की एक्साइटमेंट इसलिए है कि घर जाके अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जीवन में दुख देता है ये फॉर्म लोस की भरी कॉपी, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। खैर, उनको रट्टा मार के हम कॉलेज के लिए निकलते हैं अपने ऑटो में, और बाहर निकलने पर जो ये ख़तरनाक धूप होती है ये हम देख के हमारी फट जाती है। लेकिन धूप ही कम नहीं थी जो हमें ट्रैफिक जाम मिल जाता है, वो भी कॉलेज गेट से थोड़ी देर दूर पहले। तो हमें पैदल ही कॉलेज के गेट तक जाना पड़ता है, जहाँ हम गेट क्रॉस करने के बाद अंदर जाते हैं तो देखते हैं हमको छोड़ के सबके पास छाते हैं। तो खैर, हम पेड़ की छाँव में ही निकल जाते हैं। फिर हम ऊपर पहुँच के अपने हॉल के बाहर अपना सीट ढूंढते हैं, जो कि मैंने पहले देख लिया था, लेकिन वीडियो में मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं 9 माले सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, क्योंकि LPU में लिफ्टें काम नहीं करती, तो मुझे लगी होती है भयंकर वाली प्यास। तो मैं घर से जो पानी ले आया हूँ, ठंडा बर्फ वाला पानी, वो पी लेता हूँ। 2 hours later. फिर हम एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चन करे? 61. भाई साहब, 61 क्वेश्चंस करके आए बंदा, हमारी तो 40 में ही हालत ख़राब हो गई। सो, वापस अभी घर पहुंच रहे हैं, मतलब कमरे पे, और इसके बाद हमें बनानी है पूड़ियाँ रास्ते के लिए, सब्जी बाहर से लेंगे। तो आधी पूड़ियाँ इधर रखी हैं और आधी वो पैक हो चुकी हैं। सब्जी मैं अब लेने जा रहा हूँ, तो उसको ला के पैक करेंगे और निकलेंगे स्टेशन की तरफ कुछ देर बाद ही रुक के। तेल भी ठंडा हो जाने देते हैं क्योंकि इसको ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। अब निकलते हैं घर की तरफ, स्टेशन की तरफ एक्चुअली। तो सामान के नाम पे एक ये लैपटॉप बैग, एक ट्रॉली और ये खाने वाला झोला, जो बड़ी मेहनत से खाना बना है। सर भाई, इसको हम कहे दो दो बैग रख लो, एक ट्रॉली वाला अपना दो दो बैग लेके जा रही है। फिर हम अपने यूनिवर्सिटी के सामने से ही NH-44 हाईवे को क्रॉस करते हैं और चले जाते हैं सड़क की दूसरी तरफ, जहां हमें मिलती है एक बस खड़ी हुई पहले से पर। लेकिन हम बस से जाने का प्लान कैंसिल करते हैं और का प्लान बनाते हैं ट्रेन से, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है वो बिल्कुल हमारे यूनिवर्सिटी के सामने ही है। सोचा था बाल छोटे कराऊंगा तो कंट्रोल में रहेंगे, और ये हल्की सी हवा भी इन बालों की ऐसी की तैसी हो रखी है। अब यहाँ स्टेशन के पास पहुँच के थोड़ी राहत मिली हाईवे के शोर शराबे और तगड़ी धूप से दूर। क्या कह रहे भैया, है यहीं रुकते हैं, इससे थोड़ा उठा उठा के बाइसेप करवा लीजिए, आपका वर्कआउट रूटीन पूरा हो जाएगा। और क्या, यही ये देखो, ये है मेरा वर्कआउट, रोज आके इन्हीं को उठाता हूँ तब बनी ऐसी बॉडी। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी बॉडी बनाने के लिए। तो यूजली क्या होता है कि अपन लोग जाते थे तो हावड़ा अमृतसर ट्रेन से जाते थे, बट इस बार उसमें टिकट ही नहीं मिला, रिजर्वेशन काफ़ी हैवी बुकिंग थी उसमें, तो वेटिंग लेने का कोई सेंस नहीं था। एक स्टेशन और आगे बढ़ गए, थोड़ा ऑफ द रूट है वो, किल्लौर स्टेशन, वहाँ से एक दूसरी ट्रेन है जो आराम से लगभग सेम टाइम, उल्टा कम टाइम ही लेती, उल्टा हावड़ा अमृतसर से कम टाइम में हमें पहुँचाई। तो उसको लेके अभी हम निकलेंगे घर के लिए, लखनऊ के लिए। यार एक्साइटमेंट घर जाने की इतनी है, लेकिन धूप में भाई फटके 4 हो जा रही, इतनी कड़ी धूप है। ये है चहेरू स्टेशन, बस बिल्कुल इन पेड़ों के पीछे हमारी यूनिवर्सिटी हाईवे के उस पार। तो ये कुछ ऐसा है चहेरू स्टेशन, छोटा सा, बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के सामने। वैसे कोई ख़ास ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, बस जो नॉर्मल लोकल ट्रेन से वही रुकती हैं। ठंडा पानी भाई। फिर मैं खाली बैठे बैठे सोचता हूँ क्या करूँ, तो मैं एक टाइम लेप्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं बनता। और थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ जाती है और हम ट्रेन में बैठते हैं, और जो कि अंदर से कुछ ऐसे दिखती है सिंपल सी, और मैं हैरान हो जाता हूँ ट्रेन की स्पीड को देख के। ट्रेन 7 मिनट में ट्रेवल करके हमें ले आती है फगवाड़ा स्टेशन पे, जहाँ हम पहले आने वाले थे बस से, फिर यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ते फिल्लौर के लिए। लेकिन क्योंकि अब हम आ चुके हैं तो डायरेक्ट हम फगवाड़े में ही बैठे हैं। सो अभी पहुँच तो चुके हैं हम यहाँ फिल्लौर स्टेशन पे काफ़ी टाइम पहले ही, और इधर वेट कर रहे हैं अपनी अगली ट्रेन का, जो कि 1.5 घंटे बाद है। हमको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा तो हो ही गए होंगे यहाँ बैठे हुए, 1.5 घंटे और बैठना है फिर हमारी जो फाइनल जो ट्रेन है वो आएगी। और की धूप कम हो चुकी होती है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि बाहर चल के कुछ खाया पिया जाए। और बाहर निकलने पे मुझे ये पानी पूरी वाले भैया मिलते हैं, जो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से पानी पूरी खिला रहे होते हैं।
तो मैं भी सोचता हूँ पानी पूरी तो नहीं लेकिन कुछ और खाया जाए, तो मैं ये लेता हूँ। लेकिन खाने के बाद मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने ये खाया ही क्यों। 40 रुपए का चूल्हा लगवाने के बाद मैं खुद को कोसता हुआ वापस अपने सामान की तरफ वापस चला जाता हूँ। 2 hours later तो फाइनली घंटों तक वेट करने के बाद हमारी ट्रेन तो आ जाती है, लेकिन फिर से हमें आगे की तरफ भागना पड़ता है क्योंकि हमारा कोच जो होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, और हम भागते हुए पहुंचते हैं अपनी कोच की तरफ ताकि ट्रेन छूट न जाए। और फाइनली रात होने पे हम अपना डब्बा खोलते हैं और अपनी पनीर की सब्जी और पूड़ी को इंजॉय करते हैं। सो फाइनली पहुंच गए हैं लखनऊ, और यहाँ तो गर्मी भाई अलग लेवल पे है, लॉगेट जैसी गर्मी यहाँ भी है एज एक्सपेक्टेड। और थोड़ी लेट, 1 घंटे हो गई ट्रेन हमारी लेट, फिलहाल बाहर मेट्रो स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं और फिर मेट्रो लेके फिर घर की तरफ निकलेंगे। इतनी धूप में ऑटो से जाना सामान के साथ, ऑटो में बैठने में बहुत दिक्कत होगी। मैंने इस गर्मी को इतना झेला जितना झेला जा सकता था, फिर भी इस गर्मी को कितना झेला जा सकता था। और भरी गर्मी में अपने बालों को हवा से उड़वाते हुए ऐसे की तैसी करते हुए अब निकल रहे हैं सीढ़ियों की तरफ, जहाँ से वन वे सीढ़ियाँ हैं, उतरी जा सकती हैं पैदल ही। क्या ये ओए क्या यही है आपकी इक्वालिटी? तो अब नीचे उतरता हूँ। धूप इतनी ज़्यादा होती है और घर जाने की जल्दी में हम ट्रैफिक की ऐसी की तैसी करते हैं और फटाफट करते हैं रोड क्रॉस और पहुँचते हैं आलमबाग की फेवरेट फेमस नारायण वेज पे। पर अथर भाई की फूटी किस्मत, उनको यहाँ भी कबाब पराठे नहीं मिलते। फिर क्या, अथर भाई से हम हाथ मिलाते हैं, उनको बाय बोलते हैं, और यहाँ से हम लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अथर भाई जाते हैं लस्सी पीने और हम वापस मुड़ जाते हैं अपने घर की तरफ चलने के लिए। रास्ते में आने वाले मंदिर पे हम प्रणाम करते हैं और बढ़ते हैं अपने कॉलोनी की तरफ। कॉलोनी में आके हमें फाइनली पेड़ की छांव में थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। घर पहुँच के पहले तो मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मम्मी को पहले से पता था हम आ रहे हैं। गेट खोलते ही मम्मी को देख के मैंने कहा भाड़ में गया ब्लॉग। Two hours later. तो गाइज ये व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और मजा आ गई भाई, दोपहर का खाना खाया, मस्त नींद पूरी करी घर पे, घर के बिस्तर पे अलग ही नींद आती है। और ये व्लॉग था कुछ ऐसा, कमेंट में करके बताओ कैसा लगा, मतलब नया कुछ ये स्टोरी टेलिंग वाला स्टाइल ट्राई करा था मैंने आज, तो कमेंट में करके बताओ ये ज़्यादा बेटर था या वो ट्रेडिशनल जो सब कुछ बोल के बोलते थे वो ज़्यादा बेटर था। तो कमेंट में करो और लाइक करना मत भूलना, और नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, सब्सक्राइबर्स की ज़्यादा ज़रूरत है हमें आजकल। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।